सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की फीस सेकंड की। भाई बहुत सारे बच्चों के क्वेरी और कॉल्स आए हैं कि सर हमें काफी डर लग रहा है, सर हमें क्या कैसे करना है, GD के अंदर क्या कैसे करना है, सर प्रोसेस एक बार बता दीजिए क्या कैसे चीजें होती हैं। सर हमने काफी सारी वीडियो देखी है, काफी चैनल्स देखे हैं, वहां पर ये तो बताया गया है कि क्या आपको नहीं करना है, लेकिन सर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो सर इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी के सारे डाउट्स लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में कवर कर पाऊं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखना भाई, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से, और सारी चीजें मैं बताते हुए चलूंगा कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, और जो करोगे उसको कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको इंट्रोडक्शन आपका कैसे देना है, सर इंट्रोडक्शन कितने मिनट का होता है, कितने समय का होता है, क्या बोलना होता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस क्या रहेगा सर, तो जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका PFT होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा। जो बच्चे इन दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे वो जाएंगे फिर GD के लिए, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो जैसे ही आपने SRT क्लियर किया, उसके बाद आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको एक प्रॉपर तरीके से ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा, और ग्रुप वाइज बुलाने के बाद आपको जो है प्रॉपर एक पोस्चर में बैठना होगा, एक तरीके से बैठना होगा। बैठने के बाद आपको दो पेज दिए जाएंगे, एक रफ शीट दी जाएगी और एक प्लेन शीट आपको दी जाती है। रफ शीट इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने आइडिया रफली लिख पाए। उसके बाद प्लेन शीट इसलिए दी जाती है ताकि जो आपने आइडिया लिखा है उस टॉपिक के बारे में वो आप उसको सेंटेंस के रूप में लिख पाए। तो ये आपका जो पेज वाला सीन है, ये आपका पिछले इंटेक में हुआ था। अब की बार क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको जरूर रिव्यू मिल जाएगा चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको रिव्यू मिल जाए कि क्या चीजें कौन सी ASC पे कैसे हो रही हैं भाई, ठीक है। चलिए तो जैसे पेज आपको मिलता है, उसके 5 मिनट बाद आपसे पेज वापस ले लिया जाता है। उस पेज में आपको टॉपिक बताया जाता है, उस टॉपिक पे आपको अपने आइडियाज लिखने होते हैं भाई। पेज आपसे 5 मिनट बाद ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है कि आज सामने से जो ऑफिसर्स वो बोलते हैं कि आपको आपका 1 मिनट का इंट्रो देना है और टॉपिक के बारे में बताना है, लेकिन कुछ सेंटर पे नहीं बोला जाता है। ये पिछली बार बच्चों का कहना था कि सर हमारे सेंटर पर नहीं बोला गया कि भाई आपको जो है 1 मिनट का इंट्रो देना है। यदि आपको नहीं बोला जाता है तो आपको अपना इंट्रो देना है। कितने समय का इंट्रो देना है सर, आपको 25 से 30 सेकेंड का ही अपना इंट्रो देना है, इस बात का ध्यान रखना। आगे जो 25 से 30 सेकेंड होंगे, यानी 1 मिनट का समय मिलता है हर एक बच्चे को, वो जो आगे का आधा सेकंड होगा उसमें आपको आपका टॉपिक ब्रीफ करना है, ठीक है। अरे सर टॉपिक को कैसे ब्रीफ करना है, इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से अभी बताने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो प्रोसेस की बात करें तो पेज आपसे वापस ले लिया जाता है, उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है। 1 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर पहले 30 सेकंड आपको अपना इंट्रो देना होता है, उसके बाद आगे वाले 30 सेकंड आपको जो है टॉपिक के बारे में ब्रीफ करना होता है। उसके बाद आपका ये सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली आपका GD स्टार्ट होता है और ग्रुप डिस्कशन आपका होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या बातें सर ध्यान रखनी है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट आपको बोलने हैं वो कौन कौन से पॉइंट बोलने हैं, और किन चीजों को आपको नहीं बोलना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए तो इंट्रो की ओर मूव करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या सर बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है, दोनों चीजें पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊंगा। ध्यान रखना है 30 सेकंड का ही समय होगा आपका इंट्रोडक्शन आपको देना है, 30 सेकंड में ही अपना इंट्रोडक्शन देना है आपको। और उस इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं बताना है, मेरी मम्मी ये काम करती है, मेरे पापा ये काम करते हैं, ये चीज आपको मेंशन नहीं करनी है। इस चीज का सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है। सर अपने बारे में क्या-क्या चीजें बतानी है वो मैं आपको लेके आया हूं, तो वो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हकलाना नहीं है या अफनाना नहीं है। काफी बच्चे के हाफते हैं, जैसे कि माय नेम इज, माय टॉपिक इज, इस तरीके से, ठीक है, तो हाफते हैं, ये हाफना नहीं है, ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, आंखों में आंखें मिला के ऑफिसर के सामने आपकी बात, अपनी बातें आपको रखनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है, हकलाना नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आप टोन में बोलोगे, जिस टोन में आप बोलोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, वही टोन रहनी चाहिए आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिस लय में आप बोलते हो, ये ध्यान रखना कि इंट्रोडक्शन आपको ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है। यदि ज्यादा फास्ट बोलोगे और ग्रुप डिस्कशन में चीजें नहीं बोल पाओगे तो ऑफिसर को लगेगा कि आप चीजें रट के आए हो भाई, ठीक है। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको कैसे बोलना है, पूरा इंट्रोडक्शन देकर बताऊंगा एक मिनट में आपको कैसे चीजें बोलनी है, ठीक है। उसी लय में, उसी अंदाज में आपको अपनी बातें रखनी है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ज्यादा फास्ट नहीं बोलना है और ना हकलाना नहीं है, इन दो चीजों का ध्यान रखना। चलिए अब मैं पॉइंट वाइज आपको चीजें बता देता हूं भाई, ठीक है। तो मैं आपको जो हर पॉइंट में बताऊंगा दो दो तीन तीन ऑप्शन दूंगा कि आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपने तरीके से, ठीक है, आपको आपकी जो चीजें हैं वो आपको बोलनी है भाई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट आपको बोलना है कि माय नेम इज रोहित, या जो भी आपका नेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोलना है आपका नाम, माय नेम इज डैश। इसमें आप माय सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना भाई, ठीक है। बाकी बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहां पर नहीं देखी जाती हैं, तो इन चीजों को गौर नहीं करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, आंखें आंखें मिला के बोलना है और कुछ नहीं भाई, ठीक है। चलिए तो सर सबसे पहला माय नेम इज डैश, सेकंड आपको बोलना है आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डैश स्टेट, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम चूरू राजस्थान, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है, जैसे आई एम फ्रॉम बलिया बिहार, या आई एम फ्रॉम डैश उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। या तो आप आई एम फ्रॉम बोल सकते हो, यदि आपको ये लाइन अच्छी लग रही है आई बिलोंग फ्रॉम, तो ये भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। अब कई बच्चे क्या होते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं सारी लाइन रट के जाता हूं, जो मेरे को अच्छी लगेगी वो मैं बोल दूंगा। ऐसा नहीं करना यार, एक लाइन पकड़ लो यहां से, ठीक है, और वही बोलनी है, मिरर के सामने कम से कम 20 से 30 बार प्रैक्टिस करके फिर आपको मैदान में उतरना है, इस चीज का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए तो सेकंड पॉइंट है आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट स्टेट। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोलोगे, थर्ड पॉइंट बोलोगे आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम डैश स्कूल नेम, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, आपका स्कूल का नाम आपको बताना है, जैसे कि आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। या तो बच्चे आप ये वाली लाइन बोल दो आई डिड माय स्कूलिंग, या आप ये वाली भी कह सकते हो आई हैव पास्ड माय 12th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल नेम, ठीक है, आई हैव पास्ड माय 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। चौथा पॉइंट आपको बोलना है हॉबी के बारे में। मैंने आपको पहले मेंशन किया है, आपको अपने माता पिता का ऑक्यूपेशन नहीं बताना है, यानी आपको अपने घर वालों के बारे में जानकारी नहीं देनी है, सिर्फ आपका अपना इंट्रो होना चाहिए और वो मात्र 30 सेकंड का होना चाहिए। उसमें चौथा पॉइंट है आपका माय हॉबी इज टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट। हॉबी जब आप बताओ ना, तो आपकी रियल हॉबी जो है वो आपको बतानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा, वो बात अंदर से निकलेगी नहीं जुबान तक। जो आप चीजें करते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो आपकी हॉबी है वही बतानी है, ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाओ। पॉइंट है माई हॉबी इज टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट, और आप ये कह सकते हो माई हॉबी इज टू प्ले आउटडोर गेम्स लाइक वॉलीबॉल क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो माई हॉबी इज टू प्ले आउटडोर गेम्स लाइक वॉलीबॉल, और हॉकी भी कह सकते हो या क्रिकेट कह सकते हो, आउटडोर गेम्स आप कह सकते हो। बाकी जो भी आपकी हॉबी है, हो सकता है आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, तो आप कह सकते हो माई हॉबी इज टू लिसन द म्यूजिक, ठीक है, इस तरीके से आपकी जो खुद की है वो हैबिट आपको बतानी है, ताकि कॉन्फिडेंस आए, अंदर से वो आवाज निकले भाई, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट आपको बोलना है स्ट्रेंथ के बारे में। तो आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उसको बोलने का प्रयास ज्यादा रखना। यदि आपको लगता है कि मेरे को नहीं पता मेरी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो माय स्ट्रेंथ इज टू अडैप्ट एनवायरनमेंट इजीली एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। अडैप्ट एनवायरनमेंट का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन को अडैप्ट कर लेते हो, ठीक है, यानी उसके अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आप अपने को ढाल लेते हो।
हो, और नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि मैं कभी भी जो है गिव अप करने का एटीट्यूड नहीं रखता हूं, ये मेरी क्या है स्ट्रेंथ है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो माय स्ट्रेंथ इज माय फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंड। ठीक है, आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन माइंड। आप भाई ये चीजें बोलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलना है कि मेरी ये जो स्ट्रेंथ है ये है, या कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जो आपकी पॉजिटिव पॉजिटिव जो साउंड करे वही चीजें आपको बोलनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको सिक्स्थ पॉइंट बोलना है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। इस वाले पॉइंट में काफी बच्चे जो है बहुत एक्स्ट्रा बोल देते हैं, मेरा बचपन का सपना था कि मैं ये करूं वो करूं, मैं अपने देश की सेवा करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स को, ऐसे पॉइंट अवॉइड करने हैं। ठीक है, थोड़ा क्या है रिलेट करने वाला पॉइंट लगना चाहिए ताकि सामने वाले ऑफिसर को लगे कि हाँ भाई बच्चा रट के नहीं आया है, बच्चा अपने आप से पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, यदि उसको ये लगेगा ना कि आप रट के आए हो, या तो बच्चे रटने का उनको दो ही तरीकों से पता चलता है, या तो आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोलते हो, ठीक है, या आप जो है एकदम एक्यूरेट वो रटी रटाई लाइनें बोलते हो तो उनको पता चल जाता है इस चीज का। ठीक है, तो अपनापन बोलना है थोड़ा। तो आप ये कह सकते हो आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई इंस्पायर फ्रॉम माई कजन ब्रदर्स हु ऑलरेडी इन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इट आल्सो प्रोवाइड डिग्निटी इन आवर सोसाइटी। यानी कि भाई जो मेरे कजन ब्रदर्स हैं, मेरा रियल नहीं, जो मेरे बुआ के हैं, फूफा के, या जो भी आप कहो मौसी के, जो भी मेरे कजन ब्रदर्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है इंडियन आर्म फोर्स में हैं, तो उनको देखकर मेरा भी क्या है उत्साह जगा और मेरे को मोटिवेशन मिला, और उनको देखिए ये भी लगा कि सोसाइटी में जो है उनका सम्मान किया जाता है, डिग्निटी मिलती है। ठीक है, तो जो है मेरे को ये चीजें देखे मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने की मैंने सोची, ये आपको बताना है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट बनेगा यदि आप इस तरीके से बोल पाते हैं तो। और आप क्या कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इन्वायरमेंट ऑफ एयरफोर्स अट्रैक्ट्स मी एंड इट आल्सो गिव्स मी डिसिप्लिन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा कि भाई जो एनवायरनमेंट एयरफोर्स का उसने मेरे को अट्रैक्ट किया, और जो अट्रैक्ट किया, और क्योंकि ये जो है डिसिप्लिन सिखाता है भाई, ठीक है, डिफेंस कैसे डिसिप्लिन सिखाता है, तो इसलिए जो है मैंने इंडियन एयरफोर्स को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप कह सकते हो बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज नॉट ओनली द जॉब, इट प्रोवाइड्स डिग्निटी इन अवर सोसाइटी एंड आल्सो प्रोवाइड एडवेंचरस लाइफ। ये आप पॉइंट कह सकते हो कि भाई ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये डिसिप्लिन सिखाती है, डिग्निटी जो है लेके आती है सोसाइटीज के अंदर, और एक एडवेंचरस लाइफ जो है वो जीने का मौका देता है इंडियन एयरफोर्स। ये लाइनें आप कह सकते हो। ठीक है, ये आपका छठा पॉइंट, यहां तक आपका इंट्रोडक्शन होगा और ये पॉइंट आपको बोलने हैं, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं बोलने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऑप्शन मैंने दिए हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बोल सकते हो, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ये चीज कैसे बोल सकते हो, हॉबी कैसे बोल सकते हो, वहां पे आप अपना एडिशन कर सकते हैं, लेकिन इनसे अलग पॉइंट नहीं बोलने। मेरे पिताजी ये करते हैं, मम्मी जी ये करती हैं, मेरे दो भाई हैं, छह भाई हैं, पांच है, जो भी है, ऐसे नहीं बोलना है भाई। ठीक है, ये रेलेवेंट पॉइंट होंगे जो कि 30 सेकंड के अंदर आपको बोलने हैं। सर कैसे बोलेंगे वो अभी मैं कुछ देर में आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा भाई। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो नेक्स्ट हाफ 30 सेकंड में, तो पीछे वाले 5 से 6 पॉइंट हमने बोल दिए, उसके आगे वाले जो 30 सेकंड है उसमें आपको ये वाले पॉइंट बोलना है, टॉपिक का ब्रीफ, जो मैंने कहा ना कि टॉपिक का ब्रीफ करना है, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है, आप कहोगे आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई टॉपिक दैट इज को एजुकेशन। ठीक है, या तो आप ये वाली लाइन बोल दो, I want to explain my topic that is co-education. उसके बाद आपको co-education के बारे में बताना है। या आप ये पॉइंट कह सकते हो, Now I would like to address my topic that is co-education. ठीक है, ये वाली लाइन बोल के भी आप आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करोगे, ध्यान से देखो। Now I want to explain my topic that is co-education. Co-education is the education where both male and female study together. It enhances the mutual understanding between each other.
ड्यू टू को एजुकेशन बोथ नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो बेनिफिशियल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या बच्चे सिर्फ दो पॉइंट भी बोलोगे तो भी सफिशियंट होगा। ये आपका सिर्फ क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, जहां पर पहले 30 सेकेंड आप क्या बोलोगे, अपना इंट्रो दोगे, अगला 30 सेकेंड आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताना है, तो इतना सफिशियंट है। यदि आप इतना बोल पाते हो तो आप पहला इंप्रेशन छोड़ दोगे ऑफिसर के साथ हमने कि हाँ भाई आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है, ये चीज़ है भाई। My strength is to adapt situation easily and never give up attitude. I want to join Indian Air Force because I inspire from my cousin brothers who already in Indian Armed Forces and it also gives a dignity in our society. Now I want to explain my topic, that is co-education. Co-education is the education where both male and female study together. It enhances the mutual understanding between boys and girls. Due to co-education, both know the importance of each other and it also beneficial in development of our country. तो ये था आपका डेमो, जहां पे आपने देखा कि एक मिनट के अंदर आपको अपनी बातें कैसे रखनी है, और ये एक मिनट से कम भी हो सकता है तो भी चलेगा, लेकिन आप रेलेवेंट बोल पाते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके ऑफिसर्स पे पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं तो अभी कैमरे के सामने बोल रहा हूं तो अभी आंखें मेरी बिल्कुल सामने है, ठीक है, लेकिन जब आप वहां बैठोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है और ऑफिसर के साथ ने घूरना नहीं है, ऑफिसर को वहां पे आपके अपनी नजरें जो है बाकी कैंडिडेट्स को भी देखना है, घूरना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने तो कैमरा है तो कैमरे के सामने मैं देख रहा हूं भाई। आपको बच्चे क्या करना है, आपको सबको ऐसे जो है अच्छे नजर, मतलब सबको आई कांटेक्ट के साथ देखना है और घूरना नहीं है किसी एक ऑफिसर को, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है भाई। ठीक है, आगे बच्चे एक चीज और मैं बता देता हूं, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो बोलते बोलते ऐसे हाथों को ऐसे चिटकाते हैं, ठीक है, चिटकाते हैं, या बच्चे क्या थोड़ा हाथ पैरों को ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना यार, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट बैठे रहना है कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम आंखों से आंखें मिला के बातें आपको करनी है भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे इस इंट्रोडक्शन के बाद आपका स्टार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में दो प्रकार के बच्चे सबसे ज्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो वो बच्चा जो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, ठीक है, और एक दूसरा बच्चा जो बहुत ज्यादा बोलेगा, यानी कि वो मौका नहीं देगा दूसरे को बोलने का। तो इन चीजों को अवॉइड करना आपको, आपका अपना टॉपिक सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आप अपना टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट कर पाए भाई। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद अपने टॉपिक को 2 से 3 बार आपको बोलना है, यदि आप 2 से 3 बार बोल पाओगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, आपको ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो उसका मतलब यह होगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं बोलना है, लिमिटेड बोलना है और 2-3 पॉइंट बोलने हैं, 2-3 बार करके आपको बोलना है, बस दैट चीज। ठीक है, और एकदम चुप भी नहीं बैठे रहना कि भाई बिल्कुल ही चुप बैठे रह गए, इंट्रोडक्शन में तो आपने रटी रटाई लाइनें बोल दी हैं और यहां पे जीडी के अंदर आप बच्चे एकदम ही चुप हो गए, ऐसा भी नहीं आपको करना है, ध्यान प्रॉपर रखना है इस चीज का। ठीक है, आप अपने पॉइंट रखने हैं और वही सेम ट्यून रहनी चाहिए जो बच्चे मैंने अभी आपको डेमो में दिखाई, इस तरीके से सेम ट्यून आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है एकदम झकास तरीके से। ठीक है, चौड़े होके, चौड़े होने का मतलब ऐसे नहीं है, एकदम स्ट्रेट बैठना है, मूवमेंट ज्यादा बॉडी की नहीं होनी चाहिए, आंखें जो आई कॉन्टेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, बस इन चीजों का ध्यान रखना, बिंदास तरीके से यदि आप 2 से 3 पॉइंट बोल पाए ना तो कहानी आपकी पार है भाई। ठीक है, बस इतना ही है बच्चे, और कुछ भी नहीं है, हल बच्चे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, जीडी सबसे आसान फेज होगा बच्चे मेरी नजर में, यदि आप पूरे 3 फेज की बात करोगे तो। ठीक है, आसान इसलिए बच्चे 2-3 पॉइंट ही तो बोलने, आप गौर करना ही क्या है भाई। ठीक है, 2-3 पॉइंट रखने हैं अपने जो आपके प्रॉपर पॉइंट होंगे भाई। ठीक है, बस इस चीजों का ध्यान है आपको रखना है और कुछ गलतियां नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई है, बाकी आप इजीली जो है चीजों को कवर कर लोगे। यदि अब भी आपको लगता है कि सर मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा हूं, तो बच्चे आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 70422-68205, तो इस पे बच्चे आप अपनी वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके भेज सकते हो और पूछ सकते हो कि सर मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा भाई। ठीक है, ये सुविधा हमने आपके लिए दी है बच्चे, तो इसका आप लाभ उठा सकते हो माय डियर। और बच्चे यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करना और लाइक
लाइक और शेयर करना ना भूलना भाई, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और है बच्चे, आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जो भी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए बेहतरीन तरीके से बच्चे प्रैक्टिस और आपके कंसेप्ट वाइज क्लासेस जो है बच्चे स्टार्ट होने वाली है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, डिफेंस चैंपियंस एप्लीकेशन के ऊपर, उसके लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। तो फटाफट से बच्चे जो है डिस्क्रिप्शन से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन का नाम है डिफेंस चैंपियंस, यदि प्ले स्टोर पर जाओगे तो भी मिल जाएगी, अदरवाइज बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पे वहां से जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और डेली बच्चे प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट वहां पे मिलेंगे आपको, क्विजेस वहां पे मिलेंगे, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये थी आपकी आज की इन्फॉर्मेशन जहां पे फेज सेकंड के बारे में हमने जानकारी ली है। यदि फिर भी कोई डाउट शंका आपके दिमाग में रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सारी सोशल मीडियाज की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो कहीं पर भी जाके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अब मैं मुलाकात करता हूं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।